नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर अक्टूबर तक रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइन जारी करेगी। दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम प्रस्तावित किया, जिस पर मनीष सिसोदिया ने उनके नाम की समर्थन की है। दिल्ली आतिशी की महिला मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला होंगी। लखनऊ में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर तंज कसते हुए कहा कि बुलडोजर लोगों को डराने और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव इनकाउंटर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पुलिस की मुठभेड़ में डकैत मारे जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके नेताओं को बुरा लगता है। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव और संचालन जिला महासचिव सलाहुद्दीन ने किया। सुल्तानपुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मंगेश का परिवार अगर मांग करेगा तो एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जाएगी। सुल्तानपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर चौक घंटा घर में अंजुमन राय हिदायत की जानिब से स्टेज लगाया गया, जिस पर मौलाना अब्दुल लतीफ ने फीता काटकर जुलूस का आगाज किया। इस मौके पर अलहाज मौलाना मंजूर शेखुल हदीस भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद का ट्रांसफर अपर पुलिस अधीक्षक चुनाव प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ में हो गया है। उनकी जगह पर अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर अखंड प्रताप सिंह को चार्ज दिया गया है। अमेठी में भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रानीगंज के शिल्पी मोहल्ले में अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ केक काटकर फल और मिठाई बांटकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना की। अमेठी जिलाधिकारी निशा आनंद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके निस्तारण के लिए मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया। अमेठी के प्रभारी मंत्री सतीश चंद शर्मा ने अपने एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गौरीगंज नगर पालिका वार्ड नंबर 9 मिश्रौली में सफाई एवं स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की। अमेठी विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त का ट्रांसफर किया गया, जिस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभागार में किया गया। अमेठी के जगदीशपुर से उठने वाले ऐतिहासिक मोहम्मदी जुलूस मोहना गौहर कपूरवा इनौना सिंदुरवा हारीमऊ सलाबतगढ़ बड़ा गांव वारिसगंज रानीगंज होते लगभग 20 किलोमीटर तक घूमते हुए रामलीला मैदान जगदीशपुर में इकट्ठा हुआ। अमेठी में भादर ब्लॉक के पीपरपुर ग्राम सभा और अयोध्या नगर के किसान आवारा पशुओं से परेशान है। जिम्मेदार अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमेठी की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के रखरखाव देखभाल और गौशाला बनाने के लिए मुसाफिर खाना के भट्टा मालिकों ने उप जिलाधिकारी को मिलकर 2,30,000 रुपए की आर्थिक मदद की, जिससे एक गौशाला बनाई जा सके जिसमें गौवंश सुरक्षित रहें। अयोध्या के फतेहगंज वार्ड के पार्षद नौसाद राइन उर्फ मामा ने जुलूसे मोहम्मदी में आए हुए पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। जौनपुर में थाना शाहगंज पुलिस की कोबरा मोबाइल टीम के पुलिसकर्मियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 5,000 रुपए सहित मिला पर्स आधार कार्ड की मदद से उसके मालिक को सौंप दिया। जौनपुर के विकासखंड डोभी में प्रधानमंति आवास के लाभार्थियों के स्वीकृति पत्र और जिन लाभार्थियों का आवास पूरा हो गया उनका चाबी वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीडियो नंदलाल ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बबलू सिंह और एडीओ रमेश यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। जौनपुर के डोभी विकासखंड के एडीओ पंचायत रमेश यादव ने सभी ग्राम सभा के सेक्रेटरियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों में शिथिलता और अनियमितता पाई गई तो सेक्रेटरियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी मंदीपुर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा कराए गए विकास कार्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई, जिस पर डीएम ने प्रधान के खाते को सीज कर दिया था। मेरठ में गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग के हादसे में मारे गए 10 लोगों को परिवारों से मिलने भाजपा राज्य मंत्री धर्मपाल सैनी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान पहुंचे, जहां पर सभी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद रोजगार और रहने की व्यवस्था का आश्वासन दिया। गाजीपुर जिलाधिकारी आरिका अघौरी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने करंडा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने रिजर्व पुलिस लाइन में मौजूद सभागार में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विधि विधान से विश्वकर्मा पूजा और हवन पाठ किया। हमीरपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाए जाने का अभियान चलाते हुए प्राचीन मंदिर परिसर पहुंचकर साफ सफाई के और वृक्षारोपण के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर रक्त शिविर का उद्घाटन किया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम निश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।